Hey everyone, and welcome to the complete guide of Pointer NC. I'm your host, your instructor, your coach, and your guide BK Mandal, and I'm super glad to welcome you in Electro4U Foundation. Now coming to the pointer, it's a 5-module series that take you all the way from beginner to high level of understanding about the pointer. We focus every module on real life of example that gives you a better understanding about the pointer, and I have invested my time to make 5 modules for you. Module 1st is about what is a pointer. Module 2nd is about how we can declare a pointer. Module 3rd is about pointer to pointer or extended concept of pointer. And module 4 is one of my favorite. Module 4 is about pointer arithmetic, and module 5 is about application of pointer. I believe that through this 5 module, you will be the get better understanding about the pointer in absolute minute. Before I start the modules, please punch on the subscribe button as well as bell icon button to feel connection between me and you. So best of luck and enjoy the course to the complete guide of pointer in C. Module 1st, what is a pointer? Pointer is a variable that is stored the address of another variable. Pointer एक ऐसा variable होता है जो कि address को store करता है. इससे पहले आप int type का variable में integer type का value को store करते थे, character में character को store करते थे, float में floating value को store करते थे. But जब हम pointer का बात करें तो pointer एक special type का variable होता है जो कि address को store करता है. अब हम लोग इसको example से समझते हैं. मेरे पास int x करके एक वेरिएबल को क्रिएट किया और int x को मेमोरी में कुछ ना कुछ जगह मिलेगा और उस जगह में हम लोग उस मेमोरी ब्लॉक में हम लोग x का वैल्यू को डाल दिए. x का वैल्यू था 10 और x का वैल्यू को डाल दिए और उस मेमोरी ब्लॉक में जो जगह मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे एड्रेस. एड्रेस और फिर हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं. डेफिनेशन में बोलता है a variable that store the address of another variable. मतलब इस वेरिएबल का जो एड्रेस होगा उसको हम लोग एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करेंगे और इतना करने को हम लोग पॉइंटर बोल देंगे. पॉइंटर का मेरे पास int x जो है एक टाइप से नॉर्मल वेरिएबल है और int y जो है एक पॉइंटर वेरिएबल. ये int y पॉइंटर वेरिएबल हुआ क्यों? क्योंकि ये x का एड्रेस को अपने अंदर स्टोर किया. ये देखे ये वैल्यू यहाँ पे है, मतलब ये अपने अंदर स्टोर किया तो हम लोग इसको बोलेंगे पॉइंटर वेरिएबल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. एड्रेस ऑफ ऑपरेटर आप स्कैन ऐप के साथ बहुत बार यूज कर चुके हैं और अभी आप उस पर ज्यादातर फोकस नहीं दिए थे. अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूं. एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इज यूज टू ऑब्टेन द एड्रेस ऑफ गिवन वेरिएबल. मेरे पास जो भी वेरिएबल दिया हुआ होगा, उसका एड्रेस को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं. ओके okay? अब है इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंसिंग ऑपरेटर. इसको हम लोग रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं. रेफरेंसिंग ऑपरेटर के बारे में हम आपको फंक्शन का चैप्टर में बताए थे, जाके आप वहां पे देख सकते हैं. अभी हम बात करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट यू. अब फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज क्यों करते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं पॉइंटर का एड्रेस को प्रिंट करने के लिए. मेरे पास दो वेरिएबल था, ये तो नॉर्मल वेरिएबल है बट ये वेरिएबल ये पॉइंटर है, तो हमको इस पॉइंटर वेरिएबल को इजिली वैसे प्रिंट करने के लिए हम लोग परसेंट यू का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं. तो डायग्राम 1 से आप समझ सकते हो, जैसे कि हमको एक्स का एड्रेस निकालना है तो हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे, उसी तरह से वाई में भी सेम करेंगे. अब बात करते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑपरेटर या इनडायरेक्शन ऑपरेटर. मतलब वैल्यू ऑफ एड्रेस, इस एड्रेस ऑपरेटर में जो वैल्यू है उसका बात कर रहे हैं. इस एड्रेस में जो वैल्यू है, मतलब इस मेमोरी ब्लॉक का जो एड्रेस है मेरे पास, इसमें जो वैल्यू होगा उसका बात करेंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑपरेटर. अब इसका इस्तेमाल क्या होता है वो देखते हैं. वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑपरेटर इज यूज्ड टू ऑब्टेन द वैल्यू प्रेजेंट एंड गिवन मेमोरी एड्रेस. जो भी मेरे पास एड्रेस होगा, सपोज दैट मेरे पास
इस ब्लॉक का एड्रेस है, बट इस ब्लॉक का हमको वैल्यू पता नहीं है। तो मेरे पास एड्रेस है तो हम इसका वैल्यू भी पता कर सकते हैं। वही है यहाँ पे कि हम लोग इस ऑपरेटर का, हम लोग स्टार का यूज करते हैं, हम लोग किसी भी ऑपरेटर का वैल्यू, किसी भी एड्रेस का वैल्यू को प्राप्त करने के लिए। इट इज़ डिनोटेड बाय स्टार। स्टार इज आल्सो द इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इससे पहले आप क्या पढ़े थे, रिफ्रेंसिंग ऑपरेटर, ठीक है, इसको हम लोग इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं। स्टार आल्सो नोन एज डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। इससे पहले आप रेफरेंसिंग ऑपरेटर पर ही थे ना, रेफरेंसिंग मतलब एड्रेस देता था, इसको हम डीरेफरेंसिंग कर देंगे तो एड्रेस में जो वैल्यू है वो दे देगा, समझ गए। अब देखिए फ्रॉम डायग्राम वन से, जब हम डायग्राम वन से बात करते हैं, जब हमको एड्रेस से हमको वैल्यू चाहिए होगा तो एड्रेस में हम स्टार, उसके आगे में स्टार लगा देंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा, वाई में भी स्टार लगा देंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये हुआ इसका एड्रेस, उससे आगे में स्टार लगा दिया तो वैल्यू आ गया। अब देखते हैं एक्स का जो वैल्यू 10 है कि नहीं और वाई का वैल्यू वो है कि नहीं। तो एक्स का वैल्यू 10 है और वाई का वैल्यू 47784 है। थैंक यू। Now come to the module second, how to declare a pointer. अब हम लोग pointer को declare कैसे करते हैं। So ये सब बताने से पहले programming से समझाते हैं आपको कि pointer को declare हम लोग कैसे करते हैं। Suppose हम लोगों ने int x करके एक variable को बनाया जिसमें कि हम 10 को डाल दिया, फिर हम एक दूसरा variable, एक pointer variable int y करके बनाते हैं और ये pointer variable है, फिर हम y में x का एड्रेस को डाल देते हैं। इतना तक तो आपको इससे पहले भी आपको पता चल गया होगा डेफिनेशन से या फिर मॉड्यूल वन से जो भी मैं आपको पढ़ाया हूँ। अब जाके हम क्या करते हैं, x का वैल्यू को प्रिंट करते हैं प्रिंट f से। अब हम यहाँ पे x का वैल्यू को प्रिंट, द वैल्यू ऑफ x इज % d। अब हम x का वैल्यू को पहले प्रिंट कर लेते हैं। ऑल राइट, अब देखिए आपको यहाँ से x का वैल्यू को, अब बोलिएगा सर इतना तो हमको आता है, आप वैल्यू को दिखा क्यों रहे हैं। यस यस, जाहिर सी बात है हम आपको दिखा क्यों रहे हैं, दिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी हम x का जो वैल्यू है ना और कोई दूसरा प्रोसेस से भी प्रिंट करेंगे। द वैल्यू ऑफ x इज 10, ठीक है, 10 x का वैल्यू 10 है। अब देखिए, अब पहले हम ये मेरा जो विंडो है ये वाला, इसको हम एक बार फ्री कर लेते ताकि हम आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से दिखा पाए। ओके सॉरी। अब जो है हम करते क्या है, अब हम इसको एक बार कॉपी करते हैं और नीचे में पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद अब हम x का वैल्यू y के मदद से प्रिंट कराते हैं। स्टार लगा के। आप बोलोगे सर ये स्टार अब क्यों लगा, याद कीजिए आपको मॉड्यूल फर्स्ट में आपको पढ़ाए थे वैल्यू ऑफ ऑपरेटर आपको फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ाए थे। वैल्यू ऑफ ऑपरेटर का में क्या था कि आपके पास एड्रेस है किसी का तो उसके, तो उससे उसका वैल्यू निकाल सकते हैं उसके आगे स्टार लगा के। मेरे पास एड्रेस है और इस एड्रेस के आगे स्टार लगा देंगे तो हमको वैल्यू निकल के आ जाएगा किसका, एक्स का। आप बोलोगे कि सर आप ये m% x यहाँ पे क्यों नहीं डाले। अबे भाई m% x जो है वो y में है स्टोर, तो इसका मतलब हुआ कि ये x का एड्रेस y में है तो आप y भी लिख सकते हो और उसमें स्टार लगा दिए तो इसका एड्रेस हो जाएगा, सॉरी इसका वैल्यू हो जाएगा। तो अभी देखते हैं ये सच में 10 को प्रिंट करता है कि नहीं। बैक स्पेस n लगा देते हैं। ओके, इतना तक तो आपको समझ में आ रहा है, एक भी डाउट नहीं है, आशा करता हूं कि डाउट हो भी नहीं। अब देखिए दोनों का जो वैल्यू है यहाँ पे 10 आ चुका है, इसको हम सही कर लेते हैं, यहाँ पे द कर लेते हैं, राइट। हाँ, अब जाके हम करते हैं क्या, एड्रेस को प्रिंट करते हैं। किसका एड्रेस को, पहले एक्स का एड्रेस को प्रिंट करते हैं, उसके बाद हम लोग वाई का एड्रेस को प्रिंट करेंगे। ओके, तो द एड्रेस ऑफ, सॉरी इसको मैं सही कर लेता हूँ, द एड्रेस ऑफ एक्स का एड्रेस हम ले रहे हैं तो फॉर्मेट स्क्वायर का यूज करना पड़ेगा। सो
एड्रेस निकालने के लिए एम्परसेंड का ऑपरेट मतलब कि एम्परसेंड का यूज़ करते हैं, वो तो आपको पता है, तो एम्परसेंड का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अभी इसका एड्रेस आ जाएगा, ओके, अभी इसका एड्रेस आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर अब इसमें दूसरा तरीका क्या है एड्रेस को प्रिंट करने का, है ना, दूसरा तरीका भी है, अब उसको भी कर लेते, एक साथ ही हम लोग देख लेंगे दोनों का एड्रेस और काफ़ी अच्छा भी होगा आपके लिए। द एड्रेस ऑफ x इज, फिर से हम x का ना एड्रेस को प्रिंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली ना यहाँ पे y भी लिख सकते हैं। क्यों y लिख सकते हैं, क्योंकि y में क्या है x का एड्रेस है और हम x का ही एड्रेस को प्रिंट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि दोनों से आता ये और ये दोनों से इसका एड्रेस आता है कि नहीं। तो चलिए अगर हम रन करते हैं तब तो देख पाएंगे ना। सो अभी देखते हैं, यहाँ पे रन हो चुका है, इसको काट देते हैं, आपको नीचे में यहाँ पे दिखाते हैं। हाँ अब देखिए x का जो एड्रेस है, ये दोनों का एड्रेस एक आ रहा है, ये दोनों का एड्रेस सेम आ रहा है, और आप में ये डिफरेंट भी हो सकता है, उससे आप घबराइएगा नहीं। अब देखिए फिर अब हम क्या करें, x का तो एड्रेस हमको आ चुका है, अब हम y का एड्रेस क्यों नहीं प्रिंट कर ले। आप सोचिएगा सर ये क्या बात हुई भाई मेरे, y का एड्रेस हम क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए हम y का भी एड्रेस निकाल सकते हैं। हम मानते हैं ये y जो है ये x का एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करता है, तो इसका मतलब क्या ये नहीं हो सकता है कि y का भी कुछ ना कुछ अपना खुद का एड्रेस होगा। हो हाँ हो सकता है एड्रेस, तो उसको हम लोग प्रिंट करते हैं, y का एड्रेस अभी हम प्रिंट कर लेते हैं, ओके। अब y का एड्रेस को प्रिंट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे परसेंट तो देंगे, बट हमको y भी लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका y का एड्रेस प्रिंट होके आ जाएगा, तो y का एड्रेस एक बार हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। सो देखिए y का एड्रेस जो है ना डिफरेंट है, ये दो एड्रेस जो है ये डिफरेंट है, y का एड्रेस यहाँ पे डिफरेंट है। अब हम एक तरीका से और वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका, एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। याद कीजिए कि आपको मॉड्यूल फर्स्ट में वैल्यू एट ऑपरेटर में आपको क्या पढ़ाए थे, वैल्यू एट ऑपरेटर में आपको पढ़ाए थे आपके पास किसी भी एड्रेस का, आपके पास किसी भी वेरिएबल का एड्रेस है तो उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेरे पास एड्रेस है, तो एड्रेस हम लिख दिए, ठीक है, एड्रेस हम लिख दिए, किसका, एक्स का एड्रेस है, एक्स का एड्रेस किस में है, वाई में है, ठीक है, तो हम एक्स का एड्रेस यहाँ पे लिख दिया। वैल्यू करने के लिए इसके आगे हमको स्टार देना पड़ेगा, इसके आगे हमको स्टार लगाना पड़ेगा, तो लगाते हैं ना स्टार, अब ना देखते हैं इसका जलवा। तो अब इसे इससे अब हमको निकल के आ जाएगा x के अंदर क्या वैल्यू है, ठीक है। और इसको आप दूसरा तरीका से और समझिए, जहाँ पे भी आपको स्टार और m परसेंट दिखे तो दोनों को कैंसिल कर दीजिए, जो बचेगा x उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा सिंपल सा। आप देखते हैं ये प्रिंट कर पाता है कि नहीं, अभी हम इसको देख लेते हैं ये प्रिंट कर पा रहा है कि नहीं। देखिए 10 लास्ट में देख रहे हैं, ये वैल्यू को प्रिंट कर दिया। आई होप कि आप ये चीज़ को समझ गए हैं। अब आते हैं हम लोग अपना वेबसाइट पे। सो हाउ टू डिक्लेयर ए पॉइंटर, पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए आप तो समझ गए, पॉइंटर जब भी बनेगा पॉइंटर वेरिएबल तो उसके आगे स्टार लगाएंगे हम लोग, ओके। अब क्या किए थे, अब पॉइंटर वेरिएबल बनाने के बाद हम जे में क्या किए थे, आई का एड्रेस को डाले थे, हम दो वेरिएबल वहाँ पे क्रिएट किए थे, आई और जे था पॉइंटर, जे है पॉइंटर वेरिएबल और आई है एक नॉर्मल वेरिएबल। तो हम लोग इस टाइप से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, करेक्टर के लिए भी कर सकते हैं, फ्लोट के लिए भी कर सकते हैं और इंड के लिए भी कर सकते हैं, इंट के लिए भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। तो इसको हम फ्लोट के लिए भी कर सकते हैं, इंट के लिए भी कर सकते हैं, ये सब का वैल्यू को मतलब कि निकालने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास ये प्रोग्राम भी है जो कि आप देख सकते हो, और इसका आउटपुट जो प्रोग्राम अभी मैंने कराया सेम टू सेम ये प्रोग्राम है, बट यहाँ पर वैल्यू चेंज है, ठीक है। सो आप ये प्रोग्राम को भी ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, इसका आउटपुट भी है, ओके। आई होप कि आपको मॉड्यूल सेकेंड समझ में आ चुका होगा। वेलकम टू द मॉड्यूल थर्ड, पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंटर टू पॉइंटर होता क्या है, इससे पहले हम सीख चुके हैं कि पॉइंटर को किस तरह से इनिशियलाइज किया जाता है, अब हम देखेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर। अब पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब क्या होता है, पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब होता है जब हम आई का एड्रेस
जे में रख सकते हैं तो जे का एड्रेस हम के में भी रख सकते हैं। मतलब ये वो पॉइंटर टू पॉइंटर, यानी कि ये जो इंटीजर टाइप का जो पॉइंटर है आई, इसका जो एड्रेस है हम लोगों ने जे में रखा। तो ये जे में रखने के लिए हम लोग क्या प्रोसेस था, उसको हम लोग जे को पॉइंटर वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके आगे एक स्टार लगाना पड़ेगा, तो जाके वो पॉइंटर वेरिएबल में कन्वर्ट होगा। अब जाके हम इसका भी, यानी कि जो एड्रेस को, ये जे जो पॉइंटर है ये एक टाइप से एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करता है। तब इसका जो खुद का जो एड्रेस है उसको भी हम किसी दूसरे वेरिएबल में रखते हैं, और इतना इतना करने को हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर बोलेंगे। और इतना तब पॉसिबल होगा तब जाके जब एक दूसरा वेरिएबल हमको के नाम से क्रिएट करना पड़ेगा, उसको हमको फिर पॉइंटर बनाना पड़ेगा। एक बार तो हम लोगों ने पॉइंटर बना चुका, पहला आई का जो एड्रेस था हम लोग जे में रखे, तो एक यहाँ पे स्टार लगा के हमको इसको जे को पॉइंटर बना लिए। बट अब दूसरा के, अब जे का वैल्यू के में रखना है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, के को पॉइंटर बनाना पड़ेगा। पहले हम एक पॉइंटर बना चुके हैं, अब जब दूसरा, जब एक पॉइंटर जब दूसरे पॉइंटर को इंडिकेट करेगा तो उसमें डबल स्टार लगता है। आई होप कि आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि पॉइंटर टू पॉइंटर होता क्या है। नाउ कमिंग टू द मॉड्यूल फोर्थ, पॉइंटर अर्थमेटिक। अब बात है कि पॉइंटर अर्थमेटिक क्या होता है। पॉइंटर अर्थमेटिक कैन बी इंक्रीमेंटेड टू पॉइंट टू द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। पॉइंटर अर्थमेटिक में हम लोग किसी दूसरे, हम लोग सपोज इंट एक्स मेरे पास एक वेरिएबल है, उसको कुछ मेमोरी में जगह मिला, उसका एड्रेस ये है, तो हमको इसका एड्रेस मिल चुका है, तो इस एड्रेस के मदद से हम लोग नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर सकते हैं कि एक्स के बाद कौन सा मेमोरी लोकेशन है, या फिर हमको एक्स का एड्रेस पता है तो इसके पीछे वाला कौन सा वेरिएबल है, हम उस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या चीज़ पॉसिबल होता है इसमें। इसमें सब्सट्रैक्शन पॉसिबल होता है, इसमें ऐड भी कर सकते हैं, तो ये सब सारा चीज़ पॉसिबल होता है। देन हम आएंगे यहाँ प्रोग्रामिंग पे, हम प्रोग्रामिंग विंडो से समझते हैं इसको। तो ऑलराइट, हम आ चुके हैं प्रोग्रामिंग विंडो पे। सबसे पहले हम जो होता था हम लोग का प्रोसेस वो कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। ऑलराइट, सो अभी तक तो सही था, अभी तक तो सब चीज समझ में आ रहा था। अब जाके हम करते हैं क्या, अब जाके हम यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे एग्जांपल क्या लिए, हम उसी से एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लिए हम इंट एक्स करके, ठीक है, एक्स में 10 को हम लोग रखे हैं, तो सही वही करेंगे, इंट एक्स करके हम लोग एक वेरिएबल को बना लिए जिसमें कि हम 10 को रख दिए। अब जाके क्या करते हैं, एक वाई नाम का और एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें कि हम एक्स का एड्रेस को रखते हैं, जिसमें क्या रखेंगे, एक्स का एड्रेस, ठीक है, एक्स का एड्रेस तो रख दिए। अब जाके हम इसको प्रिंट कर देते हैं, द एड्रेस, एड्रेस ऑफ वाई इज परसेंट यू, राइट। ऑलराइट, इतना तक तो आपको क्लियर हो चुका है क्या बोल रहे हैं। अब इतना तक तो आप भी कर सकते हो, ये तो हम लोग पहले भी किए हुआ। आप पूछोगे इसमें क्या खासियत है, अब खासियत यहाँ पे ये है, पहले एक बार इसको रन कर लेते हैं, पहले एक बार इसका एड्रेस को देख लेते हैं। ऑलराइट, अभी हम इसका एड्रेस को देख लेते हैं। एड्रेस में ना इसमें हम एक बैकस्पेस एन लगा देते हैं ताकि आप क्लियरिटी से इसको आप देख पाओ, ठीक है। ऑलराइट, इतना तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा, और मैं होने भी नहीं दूंगा। सो द एड्रेस ऑफ वाई इज इतना 229-3464, एड्रेस हमने प्रिंट कर लिया। अब बोलोगे कि सर इसमें क्या खासियत है, ये पॉइंटर अर्थमेटिक को कैसे रिप्रेजेंट करता। हाँ, ये हुआ ना बात, कैसे रिप्रेजेंट करता। अब देखिए, ये जो पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर में हम क्या करेंगे, ये पॉइंटर से ये जो मेरे पास वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है, अब इसके मदद से हम लोग, क्योंकि ये तो एड्रेस है ना, इसमें एड्रेस है मेरे पास, अब इस एड्रेस के मदद से हम लोग दूसरा वेरिएबल को हम लोग डिनोट करेंगे, मतलब पॉइंट करेंगे। मतलब इस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, जब हम एडिशन करेंगे, हम इसमें एडिशन करने का तरीका वाई प्लस प्लस है। अब जाके आप देखिएगा, जो यहाँ पे जो इन टाइप का वेरिएबल है, ये इन टाइप का जो वेरिएबल है मेरे कंप्यूटर में 4 बाइट का जगह लेता है। अब जाके
इस वाले जो एड्रेस था वाई का उसमें चार्ज जुट जाएगा, क्योंकि क्यों जुट जाएगा, इसलिए जुट जाएगा हम लोग ने इस वाई का एड्रेस को और एक मतलब कि वाई का एड्रेस में हम इन टाइप का वेरिएबल को ऐड किए हैं, ऐड किए, अब समझे क्या किए हैं, ऐड किए हैं, एडिशन किए हैं, क्योंकि एडिशन किए तो ये एडिशन दर्शाएगा इसका नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को, जो एक्स का जो एड्रेस है उसमें हम एडिशन किए, क्या इन टाइप का डाटा को इंट दो बाइट कर लेता है, तो ये जो भी है उसमें दो जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, दो जुट जाएगा, उसका एड्रेस में दो ऐड हो जाएगा, हम देख लेते हैं उसका एड्रेस ऐड होता है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे पहले था 64, अब जाके हो गया 68, इससे पता चला, इससे हम ये प्रोसेस से हम पॉइंटर अर्थमेटिक के मदद से हम किसी का भी जब एड्रेस पता है तो उसके बाजू वाला को हम लोग पॉइंट कर सकते हैं, उसके बाजू वाला वेरिएबल को, उसके बाजू वाला मेमोरी ब्लॉक को हम लोग पॉइंट कर सकते हैं। क्या दूसरा तरीका है पॉइंट करने का, यस है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y प्लस वन भी कर सकते हो, मतलब आप इसमें एक बाइट यानी कि एक आप इसमें इंटीजर, आप इसमें इंटीजर वन को जोड़ रहे हो, आप इसमें एक यानी कि उसको आप एक बार ही जोड़ रहे हो, तो यहाँ पे फोर, इसमें फोर ऐड हो जाएगा। हम यहाँ पे सब आप पहले इसको दिखा देते हैं आपको ताकि आपका कन्फ्यूजन, यहाँ पे देखिए वही आया जो हम पहले के, अब यहाँ पे हम दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा दो यानी कि दो बार इंटीजर चलेगा यानी कि इंट यानी कि चार बाइट का जगह लेगा, तो यहाँ पे इसी टाइप से हम थ्री भी कर सकते हैं, फोर भी, अब जब थ्री करेंगे तो बारह लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, बारह, तो देखते हैं बारह आता है कि नहीं, पहले में होना चाहिए मेरा जो पहले था ये, उसके बाद उसमें बारह, अब देखिए जो पहले था उसमें था चार, अब इसमें चार में बारह जोड़ेंगे तो सोलह हो जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ चुका। अब आप बोलोगे कि जब हम लोग एड्रेस के मदद से इसके नेक्स्ट वाले एड्रेस को पॉइंट कर सकते हैं तो हम लोग क्या इसको घटा भी सकते हैं, इसके बाजू, इसके इससे जो पहले वाला जो एड्रेस था उसको भी देख सकते हैं, यस हम उसको भी देख सकते हैं। अब उसको देखने के लिए सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, आपको माइनस माइनस करना है, क्या करना है आपको माइनस माइनस करना है, तो करते हैं एक बार, सॉरी आपको इस टाइप से पहले आपको माइनस माइनस करके दिखाते हैं। तो जो मेरे पास जो एड्रेस, जो मेरे पास जो मेमोरी लोकेशन जो था जो पॉइंट कर रहा था, अब क्या करेगा, अब घटा देगा, कितना घटाएगा, चार घटा देगा, क्योंकि मेरे कंप्यूटर मेरे आर्किटेक्चर में इंट चार घटा देगा, 64 था अब 60 आ गया। आप इसको एक और दूसरा तरीका से भी, हम इसको रहने देते हैं, क्यों नहीं हम इसको रहने देते हैं, और आप इसको दूसरा वे से भी कर सकते, वो दूसरा वे क्या था, वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वन या टू, अब जितना घटाना चाहो इसमें घटा सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं, देखिए आप भी देख पाओगे, अब हम यहाँ पे ये चीज कंफर्म हो गए, अब देखिए यहाँ पे 60 आ गया, तो ये चीज काम करता है। ओके, तो ये चीज काम करता, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, अब ये मेरा कंप्लीट हो गया, सॉरी अब हम क्या करने वाले हैं, आते हैं इधर, अब हम ये तो इंटीजर के लिए प्रोग्राम है जो अभी हमने आपको करके दिखाया है, ये इंटीजर के लिए है, अभी आप ये यही प्रोग्राम हम उधर किए हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्रोग्राम हमको यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम दूसरा प्रोग्राम फॉर करेक्टर, अब करेक्टर के लिए हम लोग करने वाले, तो करेक्टर के लिए सेम बाय, करेक्टर के लिए क्या होता है, करेक्टर मेरे करेक्टर वन बाइट का, कितना करेक्टर वन बाइट का होता है, तो इस प्रोग्राम को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे बस जस्ट आपको समझाने के लिए, और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखो करेक्टर वन बाइट का होता है, तो इस कारण से करेक्टर वन बाइट का होता है तो जो ऐड होगा उसमें वन बाइट ही ऐड होगा, 67 था तो ऐड हो गया। अब आपको प्रोग्राम भी दिखा देते हैं, कुछ नहीं, करेक्टर हम करेक्टर ए में हम बी को रखे हैं और करेक्टर और हम लोग करेक्टर पॉइंटर बी बना लिए, उसमें हम एड्रेस ऑफ ए का रख दिए, उसके बाद हम लोग प्रिंट किए, क्या प्रिंट किए, बी के एड्रेस को प्रिंट किए, प्रिंट करने के बाद जो प्रिंट हुआ यहाँ पे आया, प्रिंट करने के बाद इसमें हम क्या किए, प्लस प्लस किए यानी कि एक वन बाइट ऑफ करेक्टर को इंक्रीमेंट कर दिए, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला जो हुआ है यहाँ पे आया, तो वन बाइट यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ तो 68 हो गया। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर ये करें या फिर ये कर, बात बराबर है, आप चाहे तो उसमें चार बाइट पाँच बाइट ऐसे करके भी आप इसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरा में, तीसरा में क्या है,
फॉर फ्लोट, यानी कि फ्लोटिंग वैल्यू के लिए क्या होता है, आपको पता है कि फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट का होता है, तो बिहेव करेगा, तो हम कोड को कॉपी कर लिए हैं, तो फिर हम पेस्ट करके एक बार रन करते हैं, फिर आपको प्रोग्राम दिखाते हैं क्या हमने प्रोग्राम को लिखा है। देखिए यहाँ पे नीचे में जो मेरे पास फ्लोट का जो बी का जो एड्रेस है 64 है, और उसमें 4 जुट गया, इसका मतलब फ्लोट भी इन टाइप का है, यानी कि फ्लोट भी 4 बाइट का एड्रेस लेता है, और किसी किसी के कंप्यूटर में जो इंटीजर होता है वो 2 बाइट का मेमोरी लेता है। तो यहाँ पे फ्लोट का देख, फ्लोट ए इक्वल टू हम 100.7 रखे और फ्लोट बी करके पॉइंटर को हम लोगों ने वो कर लिया, क्रिएट कर लिया, और बी में हम लोग ए का एड्रेस को रख दिया। फिर जाके हम लोग क्या किए, इस बी का एड्रेस को प्रिंट किया और उसमें हम लोग प्लस प्लस कर दिए, यानी कि 4 बाइट को इनक्रीज कर दिए, क्या किए इनक्रीज कर दिए, तो इनक्रीज हुआ जो है वो आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है, आई होप कि आप ये चीज़, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई होप कि आप ये चीज़ समझ पाए हो, आपको ये मॉड्यूल फर्स्ट क्लियर हो चुका है। और इससे पहले बताना चाहूँगा कि आपने क्या क्या सीखा, व्हाट इज़ ए पॉइंटर, ये पॉइंटर क्या क्या होता है, पॉइंटर कैसे होता है, कैसे काम करता है, ये चीज़ आप समझ चुके हैं कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। फिर आप उसके बाद आप ये भी जान चुके हैं कि ऑपरेटर एंड ऑपरेटर क्या क्या होता है, फिर हम लोग एड्रेस पॉइंटर का एड्रेस कैसे प्रिंट करते हैं, वैल्यू क्या होता है, और हाउ टू डिक्लेयर, पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये स्टार लगा के डिक्लेयर करते हैं, इतना चीज़ आपको क्लियर हो चुका। अब हम लोग पढ़े हैं कि पॉइंटर अर्थमेटिक, पॉइंटर टू पॉइंटर भी पढ़ लिए हैं। जब पॉइंटर टू पॉइंटर में क्या था, आई का जो एड्रेस था जे में रखे, फिर जे का एड्रेस इसमें रखे, तो जब जैसे जैसे हम लोग इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो हम लोग वहाँ पे स्टार को भी इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो इतना कुछ आप इसका हम लोग प्रैक्टिस में हम लोग इसका देखेंगे, वहाँ पे आपको समझाएंगे, इसका एग्जांपल हम प्रैक्टिस सेट में करवाएंगे। अभी आप देखें पॉइंटर अर्थमेटिक क्या होता है, आई होप कि आप सारी चीज़ को समझ चुके। अब पॉइंटर अर्थमेटिक में क्या क्या चीज़ पॉसिबल है, फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन ए पॉइंटर, एडिशन ऑफ ए नंबर टू ए पॉइंटर, एडिशन तो करके दिखाए हम आपको यहाँ पे, एडिशन यानी पॉइंटर में नंबर को एडिशन करेंगे तो वो नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक को इंडिकेट करेगा, सब्सट्रैक्शन भी होता है तो वो घटा के मेमोरी ब्लॉक को इंडिकेट करेगा। अब है सब्सट्रैक्शन ऑफ वन पॉइंटर टू अनदर पॉइंटर, अब ये क्या बात हुई, अब यहाँ पे जो ये थर्ड वाली जो बात है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वन पॉइंटर टू अनदर पॉइंटर, क्या आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स हम लोग कर सकते हैं। सपोज आप मानिए ये भी आपका आई जो एक पॉइंटर है और के भी आपका पॉइंटर है, तो आप पॉइंटर के और पॉइंटर आई को सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ओके सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और चौथा है आपका क्या, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू पॉइंटर, यानी कि आप सब्सट्रैक्शन ऑफ टू पॉइंटर को हम पढ़ा दिए तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ऑलराइट, आपको आई थिंक आपको पॉइंटर आपको थर्ड फोर्थ मॉड्यूल क्लियर हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर, वेलकम टू द मॉड्यूल 5th, एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर या टाइप ऑफ फंक्शन कॉल। तो पॉइंटर में जो एप्लीकेशन होता है वो 2 टाइप का होता है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ये 2 टाइप से हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं फंक्शन में, बट पॉइंटर में इसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो अभी हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू का। कॉल बाय वैल्यू में होता क्या है, हम लोग वैल्यू को पास करते हैं, हम लोग इसमें एड्रेस को पास नहीं करते, पासिंग द वैल्यू ऑफ एन आर्गूमेंट इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। तो हम इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं, तो ये प्रोग्राम है मेरा, तो इसको हम जस्ट सिंपली अभी हम कॉपी कर लेंगे ताकि हम इसको आपको वहां पे समझा पाए। ओके सो हम चलते हैं प्रोग्रामिंग विंडो पे कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। तो आपको फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू का मतलब अच्छी तरीके से समझाए थे, आई होप कि आप वो लेक्चर देखे हो, नहीं भी देखे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं, इसमें हम डाल देते हैं studio.h, ये मिसिंग था, इसमें भी conio.h मिसिंग है। ओके, इतना करने के बाद अब हम करना क्या है, हम एक int
हम लोगों ने ए और बी नाम से दो वेरिएबल को क्रिएट किया, ए में चार रखा और बी में भी चार रखा। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट द वैल्यू ऑफ 4 + 5, हम ये दोनों को एडिशन कर रहे हैं। एडिशन करने के बाद हम इसका मतलब कि ये दो को एडिशन करेंगे, और उसी में हम क्या किए, इसी प्रिंटिंग में ही हम क्या किए, फंक्शन तो आप पढ़े हैं ना, फंक्शन का लेक्चर में आपको आई बटन में डाल दूंगा ताकि आपको पता चल पाएगा हम किस टाइप से लिखे यहाँ पे। सो उसी में हम क्या किए, फंक्शन को कॉल कर लिए, कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है। तो प्रिंट एफ भी एक टाइप का फंक्शन है, इसमें हम सम ए और बी को कॉल किए और ए और बी का वैल्यू को पास किए, और ये इतना लिखने के बाद यहाँ पे मेरा जो कंट्रोल है यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद सम, अब जो हम जो वैल्यू जो भेज रहे हैं उधर से वैल्यू भेज रहे हैं, तो वैल्यू यहाँ पे आ गया और इस ए का वैल्यू मेरा यहाँ पे ए में पेस्ट हो गया। इसको हम एक्स कर दे रहे हैं, इसको वाई कर दे रहे हैं आपके सहूलियत के लिए, ओके, ताकि आपको लगे ये दोनों डिफरेंट है, एक्स और वाई। ऑलराइट, सो अब जाके ए और बी का जो वैल्यू है एक्स और वाई में आके प्रिंट हो गया। अब जाके हम यहाँ पे क्या किए, अब हम किए कि एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू उधर से हम लिए उसको ऐड करके रिटर्न कर दिए। जब रिटर्न टाइप होगा तो यहाँ पे int आएगा, तो उसी तरह से हम यहाँ पे फंक्शन को भी डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, इतना करने को फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं, और इसको हम लोग फंक्शन डिक्लेयर बोलते हैं। तो ये सब हम आपको फंक्शन वाले लेक्चर में समझाए थे। तो इसको हम लोग रिटर्न किया, रिटर्न जहाँ से कॉल हुआ वहीं पे जाएगा फंक्शन, वहीं पर रिटर्न होकर यहाँ पे कॉल हुआ तो यहीं पे आएगा, तब अब जाके इसका एडिशन यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं इसका एडिशन होकर कितना आता, 8 आता है या नहीं आता है, वो हम अभी देख लेते हैं, जस्ट ए मिनट, उसके बाद हम देख पाएंगे कि इसका एडिशन क्या आ रहा है। तो इसको हाँ देखिए, द वैल्यू ऑफ 4 + 5 = 8, यानी कि एडिशन हो चुका है। अब आपका क्वेश्चन ये है, ये तो हम फंक्शन में भी पढ़ चुके हैं, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इसका पॉइंटर में क्या, इसका पॉइंटर में क्या मतलब होता है। पॉइंटर में मतलब होता है, देखो हम लोग क्या किए, एक्स और वाई का वैल्यू को भेजे, तो हम लोग सिर्फ वैल्यू, इसका वैल्यू को भेजे तो उसका वैल्यू को ऐड करके इसको रिटर्न कर दिए। जब हम पॉइंटर का बात करते हैं, पॉइंटर में हम एक चीज कर सकते हैं कि हम इसको, इसका जो वैल्यू है उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल हम लोग वैल्यू को यहाँ पे पास किए तो हम इसको चेंज नहीं कर पाए, अभी हम इसको देख लेते हैं क्या क्या था पहले। सो इसको हम लोग एक बार कॉपी करते हैं, प्रिंट ऑफ यहाँ पे हम देते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं क्या, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बिफोर पासिंग। हम लोग बिफोर पासिंग कर सकते हैं, ओके, और बिफोर पासिंग एक्स और वाई का वैल्यू हमको देखना है, इसको हमको को कॉल करने से पहले, तो परसेंट डी, इतना तक तो आपको क्लियर हो गया है। और यहाँ पे हम लिखते हैं ए और बी कर लीजिए इसको, ये ए और बी है, ए और बी। हम अब क्या की, अब हम कर रहे क्या, ये फंक्शन को पास करने से पहले हम इसका वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, इसका वैल्यू क्या है, तो देखिए इसका वैल्यू क्या है, हाँ अभी भी एक मिनट, आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस इसको हम यहाँ पे एंड परसेंट कर देते हैं तो अच्छा दिखेगा आपको, नहीं तो उसको यहाँ पे ये लगा देते हैं ताकि ये आपको अच्छा तरीका से दिखे, ठीक है। सो अब देखते हैं हम इसका जो वैल्यू क्या है, अब यहाँ से आप वैल्यू को देखो तो अभी भी वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर पासिंग 4, 4 and 4, यानी कि 4 and 4 इसका वैल्यू आ गया, यहाँ पे देखिए 4 and 4 इसका वैल्यू आ गया। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये पॉइंटर में क्या होता है, इस वाले वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो हम इसका वैल्यू को पास किए, एड्रेस को पास करते हैं तब जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो आफ्टर बी पासिंग हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्या वही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। आफ्टर पासिंग हम लोग जब हम लोग करते हैं तो हम लोग कुछ इस तरह से देखते हैं, सॉरी हाँ ये आफ्टर पासिंग है, तो इसको हम लोग एक बार समझते हैं।
इसको हम लोग देखते हैं कि उस आफ्टर पासिंग में ना जो उसका वैल्यू है वो वही है, ए और बी का वैल्यू आफ्टर पासिंग 4 और 4, यानी कि इसका वैल्यू 4 है। अब जब हम इसमें पॉइंटर का यूज़ करें, जब हम इसमें पॉइंटर का यूज़ करें तब जाके हम ये वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें कॉल बाय रेफरेंस था तो इसका कॉपी होके पास हुआ, तो इस कारण से हम इसको चेंज नहीं कर पाए। तो हम इसको अब हम इसका जो वैल्यू है वो देखेंगे कहाँ पे चेंज होता है, वो देखेंगे हम लोग कॉल बाय रेफरेंस में। कॉल बाय रेफरेंस में बात करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस पासिंग द एड्रेस ऑफ एन आर्गूमेंट इसको इज कॉल्ड बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में होता है कि आर्गूमेंट को मतलब एड्रेस को पास करते हैं। जब हम एड्रेस को पास करेंगे तो उस एड्रेस में जो वैल्यू है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, राइट। अब हम ये कोडिंग को जस्ट कॉपी एंड हम अपने कंपाइलर में प्रोग्राम विंडो में हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो चीज़ पे आप ध्यान दे के समझिए। अब हम करेंगे क्या, मेरे पास कॉल बाय वैल्यू में क्या था, x और y का जो वैल्यू था हम उसको वैल्यू पास किए थे, इस कारण से ये वैल्यू में हम कुछ चेंजेस नहीं कर पाए। जब हम इसका एड्रेस को पास कर देंगे, एड्रेस मतलब लोकेशन हमको पता होगा तो उसका हम लोग वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा है, तो चलिए उसको पहले समझते हैं। सो प्रोग्राम समझते हैं हम लोग, तो क्या प्रोग्राम है, जस्ट आप हमको फॉलो कीजिए, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ जस्ट वैसे वैसे आप कीजिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ वो चीज़ को आप समझिए धीरे धीरे, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक इंट ए में 5 रखा है और बी में 4 रखा है, और इसको हम लोग एक स्वैप फंक्शन के मदद से इसको हम लोग यहाँ से फंक्शन कॉल किया, और उसके दौरान हम लोग यहाँ पे आर्गूमेंट मतलब हम लोग यहाँ पे एड्रेस को पास किया, हम लोग क्या कि एड्रेस वहाँ पे वैल्यू को पास किए थे। अब इतना लिखने के बाद हम ये फंक्शन के पास आते हैं, स्वैप फंक्शन के पास। अब जो है ये इसका एड्रेस जो यहाँ से पास हुआ, तो पास एड्रेस पास कर रहे हैं, तो जिसमें एड्रेस को हमको मतलब कि यहाँ पे जो डालना है तो उसको हमको पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो x यानी कि int x करके एक पॉइंटर बना लिया, और int y में इसका एड्रेस आ गया। अब जाके हम क्या करेंगे, इसको स्वैप करेंगे, ये 2 नंबर का स्वैप करने का प्रोग्राम है। अब जाके हम इसको स्वैप करेंगे, अब int temp करके एक हम टेम्परेरी वेरिएबल बना लिया जिसमें कि temp में ये रखे हुए हैं। और फिर आप स्वैप का ये फंक्शन आपको पता है, आप रट लीजिए या फिर आप समझिए, temp में हम x को रखें, फिर x में y को रखें, फिर y को temp में रखें। इतना करने के बाद ये तो मेरा फंक्शन डेफिनेशन हुआ और फंक्शन डिक्लेरेशन यहाँ पे हम कर दिए। तो अभी हम देखते हैं कि मेरा वैल्यू स्वैप हो रहा है कि नहीं, मेरा ये 4 और 5 स्वैप हो रहा है कि नहीं, अभी हम देख लेते हैं। कि ये स्वैप हो रहा है कि नहीं। अभी ये तो कॉल बाय रेफरेंस के मदद से देखिए, द वैल्यू ऑफ x एंड y इज 4 और 5, ठीक है 4 और 5। हम एक काम करते हैं, और इससे पहले हम इसका जो रियल वैल्यू था वो जिसको हम यहाँ पे डाल दें, द वैल्यू ऑफ a एंड b बिफोर स्वैप, यानी स्वैप करने से पहले उसका वैल्यू 4, 5 और 4 आना चाहिए, और स्वैप करने के बाद उसका वैल्यू आना चाहिए, सॉरी इसको हम ऊपर में लिख देते हैं, क्योंकि कॉल तो हम इसके बाद कर रहे हैं ना, तो इसको हम लोग ऊपर में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। सॉरी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसको जो है इसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, हम लोग इसको स्वैप कॉलिंग फंक्शन के ऊपर डाल देते, तब तो हम यहाँ पे देख पाएंगे जो मेरे पास पहले से क्या था, क्या वैल्यू था, और बाद में स्वैप होने के बाद क्या वैल्यू हुआ। तो अभी हम देखते हैं यहाँ से क्या क्या होता है। ऑलराइट, इतना तक तो आपको क्लियर हो चुका है। सो अब देखिए, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैप 4 और 5, और आफ्टर स्वैप 5 और 4, और आफ्टर स्वैप 4 और 5। अब देखिए ये वैल्यू स्वैप हुआ, क्यों हुआ स्वैप, क्योंकि हम लोगों ने एड्रेस को पास किया है, हम लोगों ने यहाँ से एड्रेस को पास, ये हुआ बिफोर स्वैप, बिफोर पहले स्वैप करने से पहले 5 और 4 आया, अब आफ्टर स्वैप करने के बाद मेरा 4 और 5 आया। तो इतना आपको क्लियर हो चुका, इसमें हम लोग क्या किए, एड्रेस को पास किए तब जाके हम लोग इसको स्वैप कर पाए। अब देखिए कॉल बाय वैल्यू में क्या था, तो हम लोग सब ये जो पॉइंटर है ना,
पॉइंटर को हम लोग हटा लेते हैं, अब हम लोग एड्रेस पास नहीं करेंगे, हम लोग वैल्यू को पास करेंगे, तो देखते हैं ये स्वैप कर पाता है, तब जाके आप पॉइंटर का फुल मतलब समझ पाओगे कि पॉइंटर का मतलब एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली में इसका मतलब है क्या, क्या पावर है, क्यों हम लोग यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू को पढ़ रहे हैं। सो इतना तो हम लोग कर ली, अब जाके इसको सेव करते, अब ये पॉइंटर नहीं है, अब हम एड्रेस पास नहीं कर रहे, वैल्यू को पास कर रहे हैं, अब चेक करना है कि इसको चेंज कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो जस्ट ए वेट, जस्ट हम देख पा रहे हैं कि कहीं पे हमको मिस्टेक हो रहा है, अब वो देखते हैं कि मिस्टेक हमने करी कहाँ है, वो मिस्टेक हमने करी कहाँ है, वो चीज़ को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सो मिस्टेक अभी तक तो हमको दिख नहीं रहा है, हाँ तो वाइड एक्स एंड वाई में ये वैल्यू को पेस्ट हो गया और टेम्प्रेरी वेरिएबल में हम इसको लाए हुए हैं। तो फिर से एक बार हम इसको रन करते हैं, मेरे ख्याल से इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। हाँ देखिए, अभी देखिए द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैप 5 and 4 आफ्टर स्वैप 5 and 4, यानी कि हम जब वैल्यू को पास करेंगे तो इसका मतलब क्या, हम उसका कॉपी को पास कर रहे हैं, इसी कारण से इसका जो मेन में जो वैल्यू है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट हम मेन से जब इसका एड्रेस को पास करेंगे तब जो मेन में जो वेरिएबल है उसका वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आप कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस आप पॉइंटर में समझ चुके होंगे। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, आपको प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये जब आप पॉइंटर का लेक्चर देखते हो तो अभी मैक्सिमम चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से डिक्लेयर नहीं किया है, तो प्रैक्टिस सेट में हम अच्छी तरीके से डिक्लेयर करने वाले हैं, तो प्रैक्टिस सेट को आप छोड़े नहीं। अभी हम लोग क्या क्या सीखे एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सो पॉइंटर के बारे में सीखे कि पॉइंटर कैसा होता है, क्या होता है, उसके बाद ऑपरेटर के बारे में सीखे, उसके बाद वैल्यू एट ऑपरेटर के बारे में सीखे, उसके बाद हाउ टू डिक्लेयर पॉइंटर के बारे में सीखे, उसके बाद हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर सीखे, उसके बाद पॉइंटर अर्थमेटिक सीखे, उसके बाद हम लोग पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर सीखे। इस सभी में गाइस आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो जस्ट आप कमेंट करें और उस चीज़ को मैं सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा, और कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम होता है, और इस वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि वहां से आप जाके यहाँ पे डायरेक्ट आके इसका थ्योरी पढ़ सकते हो, और इसके नीचे एक वीडियो भी होगा ओके, तो आप वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो, और वेबसाइट में धीरे धीरे टाइम टू टाइम इसमें अपडेट होगा और कंटेंट भी आएगा। तो थैंक यू, और मिलते हैं हम आपसे इसके नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम पढ़ेंगे एरे के बारे में। थैंक यू।